सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फाइनली हम लोग काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक और वीडियो बना रहा है यूट्यूब पे। हम लोग आ रहे हैं एक स्टेकेशन प्लेस पे जो कि अहमदाबाद से कुछ 30 किलोमीटर्स दूर है। नाम है उसका लाइफ एट रिपोस्ट और हमने एक लेक व्यू वाला विला लिया। सो लेट मी गिव यू अ रूम टूर। सो हेलो गाइज, तो आप रेडी हैं एक और रूम टूर के लिए मेरे साथ, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे रूम टूर की बहुत तारीफ की गई थी। एक्चुअली जैसा कि आप देख सकते हैं, दीवार है, दरवाजा है, वो ये दरवाजा है जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से झांकने के लिए आपको एक वो भी दिए हैं, ऐसे मुंह निकाल के देखने के लिए, ठीक है। ये बहुत मस्त बाथरूम, सब टॉयलेटरीज भी है, सब प्रोवाइड करी गई है। सोप, बॉडी लोशंस, शावर कैप, ये सब यहाँ पर है। और ये है मस्त सा कैमरामैन को पीछे करते हुए, तो ये मस्त एक वार्डरोब है, काफी स्पेशियस है। इतना मस्त मस्त मत बोल, तो इसको बेचने नहीं आई यार। वो क्लोजेट्स एंड क्लोजेट्स वाली फीलिंग दे रहा है। तो ये है मस्त, नहीं मस्त नहीं सॉरी, तो ये है मस्त, नहीं सॉरी काफी सामान रखने को है, बट हमारे पास कुछ है नहीं एक्चुअली। चलो आगे बढ़ो, रूम दिखाओ। तो यहाँ पर सेफ, अगर आपके पास कुछ बहुत कीमती है तो आप यहाँ रख सकते हैं। मिरर, एज यू कैन सी मैं पतली हो गई हूँ, ये भी आप देख सकते हैं कैमरा। बहुत ज्यादा बहुत अच्छा। सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ लगी कि यहाँ पर खाने के लिए टेबल दिया गया है। मैंने किसी भी रिजॉर्ट में एक्चुअली ये देखा नहीं है, तो ये सबसे अच्छी चीज है यहाँ पर। मस्त नहीं, अच्छी चीज है ये, ठीक है। और यहाँ पर भी आ गया है, आई थिंक प्लेटफॉर्म है, कुक तो खैर कर नहीं सकते, बट दिया बच्चे हैं तो आप, हाँ मतलब यहाँ कुछ रख सकते हैं। इसमें भी बहुत सारा स्पेस है, पता नहीं क्यों दे रखा है, वो भी नहीं पता मेरे को। बीच में दरवाजे में ड्रॉअर में घुस गई अंदर, तो दो दो कॉम्प्लीमेंट्री पानी की बॉटल, कैटल, कॉफी वगैरह सब दे रखी है, जो आपको बनाना है आप पी सकते हैं, ठीक है। एक लग्जरियस बेड, लग्जरियस अच्छी टर्म्स यूज करियो, एक लग्जरियस बेड दे रखा है, बहुत सारे पिलोज है जो कभी भी किसी काम नहीं आते हैं, यूजलेस पिलो। और दो पेंटिंग्स है, वो दिखा दे, जो जूम करके दिखा दे, ठीक है। ये टीवी, रिमोट, टेबल, नहीं सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे जिसके बेस्ट लिए जिसके लिए नहीं, मैंने चूज किया था ये, जिसके लिए मैंने चूज किया था। हम धीरे से खोलेंगे क्योंकि मधुमक्खियां अंदर घुस रही हैं, अंदर बाहर ही बैठी है तो मधुमक्खियां। क्या हुआ, मधुमक्खी है वहां। 2000 years later, और जो मस्त व्यू है जिसके लिए हमने ये रिजॉर्ट बुक कराया था वो ये है। हमारा जो रूम है वो लेक के ऊपर ही बना हुआ है, तो दिस इज द बेस्ट व्यू। और सनसेट आएगा यहीं से दिख जाएगा ना, अगर तो ये बेस्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बस बतके नहीं है यहाँ पर। तुझे बतके भी चाहिए इसमें। सो अभी बज रहे हैं शाम के 4, हमने थोड़ा ड्रोन उड़ा लिया, थोड़ा रेस्ट कर लिया, और अभी हम लोग चल रहे हैं क्लब हाउस देखने के लिए कि वहाँ पे कौन कौन से इंडोर आउटडोर गेम्स है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है एक्स्ट्रा, और उसके अलावा वहाँ पे एक स्विमिंग पूल है, तो देखते हैं कैसा है स्विमिंग पूल भी।
सो यहाँ पे 3 आर्टिफिशियल लेक है, एक लेक है जो हमारे रूम के बाहर है, वो दूसरी दो लेक है वो एक एंट्री गेट पे और एक मिडल में, मिडल वाली जो लेक है वहाँ पे काफ़ी सारे फोटोशूट के पॉइंट था, बतके भी थी तो वो जाके सबसे पहले चेकआउट करते हैं। अभी हम लोग सेकेंड लेक पे आए थे, हमने मस्त बतख का शो देखा ऊपर चढ़ते हुए। अरे मैंने पहली बार बतख ऐसे वन बाय वन चलते हुए देखी ऊपर। बहुत धूप है तो फोटोग्राफी हम थोड़ी बाद में करेंगे, 5:30 बजे जब वो लेके आएगा थोड़ा सनसेट हो जाएगा, सनसेट जैसा वेदर हो जाएगा तब हम लोग आएंगे। लास्ट बतख तो शॉर्टकट लेके गई खाने के लिए, बहुत मस्त है, मतलब लेक अच्छी है, आर्टिफिशियल है, 3-4 पॉइंट्स बनाए उन लोगों ने फोटोज के लिए, शाम को बहुत मजा आएगा। तो शाम के टाइम पे आते हैं, अभी चलते हैं इंडोर गेम्स देखने के लिए, जिम और स्विमिंग पूल देखने के लिए। नहीं वो तैरते रहते थक गए, वो तो सुखा भी रहे अपने आप को पंख झाड़ झाड़ के। एक बज गए लास्ट में फैमिली मेंबर, बोले मेरे बिना खा कैसे लिया तुमने सारा खाना, देख कितना तेज जा रही है, देख हाँ स्पीड बढ़ा दी उसने, मोटर बढ़ा दी अपनी उसने पीछे से, मुझे छोड़ के जा रहा है, चिल्ला रही यार कितने मस्त लग रहे, मैंने सच्ची पहली बार देखा डक्स ऐसे निकल के जाती हुई। चलो शॉर्टकट ले लिया, पहले चढ़ गई वो वहीं से। हाँ उसने शॉर्टकट ले लिया। इतनी आवाजें क्यों कर रही हैं पर? उनको खाने का टाइम हो गया। और तो बहुत ही बड़ा एरिया है और ऐसे ही रोड्स बने हुए हैं यहाँ पे, और कम से कम बोल रहे थे जब लोग एंटर हुए, मैं सिक्योरिटी वाले से पूछा तो 700-800 घर बनने वाले हैं, अभी तो 6-7 बंगलोज है जो लेक पे है वहीं पे हम रुके हैं, बाकी सारे रूम्स तो बने हुए लग रहे हैं, पता नहीं कोई वहाँ पे रह रहा है या नहीं रह रहा है, अगर सभी उन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया। बोल तो रहा था लेक हाउस तो सारे ऑक्यूपाइड, लेक हाउस सारे ऑक्यूपाइड है पर बंदा कोई हमें अभी तक दिखा नहीं है। हाँ अभी दिखा, मैं भी शाम को दिखेंगे तो बहुत गर्मी है, या फिर क्लब हाउस में भी हो। हाँ लेट्स गो चेक इट आउट। तो जो जिम है, स्विमिंग पूल है और कैरम बोर्ड है वही फ्री में है, बाकी सारी एक्टिविटी और साइकिलिंग भी फ्री में है, और बाकी सारी जो एक्टिविटीज़ है आउटडोर और इंडोर जो गेम्स है वो सारी चार्जेबल है। यहाँ पे जिम भी है बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी बंद है, वो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो, तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आई डोंट नो रिसोर्ट में आके जिम कौन करेगा एक दो दिन के लिए, बट स्टिल है आप फ्री में तो कर सकते हो। एंड दिस इज द वॉलीबॉल कोर्ट, तो आप वॉलीबॉल आराम से खेल सकते हो क्योंकि यहाँ पे मिट्टी विट्टी सब है, तो मज़ा आएगा आपको वॉलीबॉल खेलने के लिए, तो अगर आप 8-10 लोग आ रहे हो यू कैन प्ले द वॉलीबॉल हियर। और ये आपका इंडोर गेम एरिया, टेबल टेनिस है, बैठने की जगह आपके लिए मस्त, फिर यहाँ पे कैरम ये आपके लिए फ्री में है, ये पूल टेबल ये पेड है, वाह एयर हॉकी भी है, फूसबॉल टेबल भी है, एयर हॉकी है, और ये भी पूल है उस तरफ भी टीटी है, मतलब काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है, मतलब ये पेड है तो अच्छी कंडीशन में भी दिख रहा है, फुल्ली एसी है, सेंट्रल एसी, और सो पेमेंट जो है आई गेस वो पर पर्सन 100 या 200 है पर गेम, सो वो आप देख सकते हो, अगर मेरे पास होगा स्क्रीनशॉट तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। तो अभी हमने जो आपको रेस्टोरेंट दिखाया है वही एक आउटडोर रेस्टोरेंट है, कोई इंडोर रेस्टोरेंट नहीं है, सो अगर गर्मी में आ रहे हो तो मेक श्योर कि, मतलब मैंने एक वीडियो में देखा था आई गेस कि गर्मी में ना वो कोई स्प्रिंकल तो करते हैं वाटर या फिर एयर कोल्ड एयर ताकि आपको थोड़ा इतना गर्मी ना लगे, बट आउटडोर ही इंडोर नहीं, और हमारा मतलब जिम देखने से हो गया, इंडोर गेम्स हमने देख लिया, आउटडोर गेम्स से कि वॉलीबॉल वो भी हमने देख लिया, किड्स के लिए थोड़ा प्ले एरिया है, दूसरा ये रेस्टोरेंट है, लेक है 3, एक लेक और 2 लेक तो हमने देख लिया, और तीसरी लेक अभी देखने को आएंगे हम लोग, तो तीसरी लेक अभी 5:30 बजे जब हम बाहर आएंगे तब देखेंगे,
और उसके अलावा 10 हमारे साथ या 8 कुछ गार्डन्स अलग अलग टाइप के। 5:30 बजे वही हम लोगों को ना बोगी लेके वो मस्त गोल्फ कार उसमें लेके जाएगा और पूरा सारा दिखा देगा और समझा देगा, तो उस तभी देख लेंगे हम लोग। अभी चलते रूम पे, थोड़ा रेस्ट करते, बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए। गूंज रहा है, एको हो गया आपकी आवाज। हेलो हेलो, आप देख सकते हैं कि हमें इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। तो ये गार्डन है, इसके पर शूट करना चाहिए था, ये पे शूट करना चाहिए। ये गार्डन है, लैबरिंथ गार्डन बोलते हैं। एको होती है आपकी आवाज और ऐसा लग रहा है जैसे पैक स्टेडियम में रूम में बैठे ना अंदर। हाँ। काफी एको हो रही है आवाज, मतलब आई डोंट नो, वीडियो पता चलेगा नहीं, यहाँ पे आना पड़ेगा। एंड दिस इज द गार्डन और ये कॉन्सेंट्रेट कौन सी लाइन बोलते हैं, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन वाली लाइन से। तो ये है तीसरा अरोमा गार्डन। यहाँ पे एक्यूप्रेशर के लिए ये सारे जो स्टोन्स है, ऐसी पूरी नीचे जो टाइल्स है वो बनी हुई है। तो आपको चलते चलते नीचे काफ़ी सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स वो प्रेस करता है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। As you can see, यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइंस बनी हुई है, अलग अलग टाइप के पत्थर्स रखे हुए जिस पर चल के आपको प्रॉपर फीलिंग आती है एक्यूप्रेशर वाली। मस्त है, मतलब यहाँ अलग अलग जो टाइल्स है उस पर चल के अलग अलग फीलिंग आ रही है, कोई थोड़े शार्प है, कोई थोड़े माइल्ड है, बहुत मस्त है। अरोमा गार्डन है ना, तो स्मेल भी आ रही है। पता लगा कि मुझे बहुत दर्द है, बहुत दर्द है जीवन में, यहाँ तो मैं डेली चल रही। और बाय द वे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी और विलास दोनों का मिक्सचर है, मतलब कुछ 400 या 500 जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, बंगलोज है, वो ऑनर्स है यहाँ पे, वो वीकेंड में या फिर लॉन्ग वीकेंड में रहने के लिए आते हैं, वो आपको रेंट पे नहीं मिलेगा। पर 14 जो विलास है, जैसा हमारा विला है जो लेक पे है, वहाँ पे आपको रहने को डेफिनेटली मिलेगा। और आपको अगर बाय करना है तो बाय भी कर सकते हो, ऐसा है हमने सुना अभी उस भाई से। और अभी इसके आई थिंक वैल्यू कुछ 1.8 करोड़ है, तो अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी है तो आप पूछ सकते हो। तो ये है अल्बा गार्डन जिसमें वाइट फ्लावर्स और स्विंग है। तो अंदर चलते देखते हैं। आगे का भी एक गार्डन था जहाँ पे सिर्फ येलो फ्लावर्स थे, पर वो उन्होंने बोला कि सिर्फ फ्लावर से येलो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे देखते क्या है। हाँ ये देख, पूरे वाइट है ना सब। हाँ। और स्विंग्स है, अच्छा ऐसे स्विंग्स बना है, ये प्रॉपर में वैसे बना रखा है, मतलब तो लोग आके जो वीकेंड में रह सकते हैं। हाँ, तो क्योंकि वीकेंड हाउस है तो ऐसा ही वीकेंड हाउस में पूरा ऐसा, ये बीच बीच में स्विंग्स है और सिर्फ वाइट फ्लावर्स ही है। गेंदे के फूल बोलते हैं ना इनको, क्या बोलते हैं, चमेली बोलते हैं, ये जैस्मिन बोलता है, रुक जा सुन लेंगे अपने। मुझे लगा तू उससे पूछने वाली है, जैस्मिन लग रहा है मेरे को, तो जैस्मिन के फ्लावर्स ही होते हैं गाइस। सो ये है जैन गार्डन जहाँ पे आप योगा मेडिटेशन कर सकते हो। इट्स अ जापानीज गार्डन और बहुत शांति है यहाँ पे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सच में बहुत शांत है। क्योंकि वो दोनों गार्डन्स में मतलब इतने बड़े बड़े पेड़ और वो सब था, और थोड़ा मतलब पता नहीं उसकी वाइब भी अलग है, बहुत मस्त बना है। और यहाँ पे ना बीच में जगह है जहाँ पे आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। Thank you.
तो हमारे गार्डन हो गए सारे ख़त्म, लॉन थी एक वहाँ पे आगे, वहाँ पे आप कैंडल लाइट डिनर कर सकते हो, और अगर आपको डिनर करना है फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लग रहा है ये स्विमिंग पूल भी बना सकते हैं इसको। हाँ, अब आए हम लोग लेक वन पे, तो लेक वन आपको दिखाते हैं। आपको लग नहीं रहा कि करण मेरी बातें इग्नोर कर रहा है? मैंने तेरी बातें शादी की 3.5 साल बता दी लेके मैं तुझे साथ में मैं कहाँ से इग्नोर कर रहा हूँ, पर मुझे लग रहा है तू मुझे इग्नोर कर। ठीक है, तो होता है चल उस बतख के पास छोड़ दे मैं तुझे। अब बतख बहुत क्यूट। तो कैसा लग रहा है अंजलि प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बैठ के? प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बैठ के अच्छा लग रहा है मेरे को। इतने लोग यहाँ पे कम है, सोच रही थी। अच्छा, तब तक मैं बोलूँ? सोच रही, इतने लोग यहाँ पे कम है, मुश्किल से 5-6 लोग दिखे हैं जिनकी खुद की प्रॉपर्टी आई गेस यहाँ पे, तो हाँ, वो लोग घूम रहे हैं। प्रॉपर्टी और मस्त सजा के रखा है लोगों ने प्रॉपर्टी वगैरह को। एंड लुक एट द व्यू, जो हम कहाँ पे बैठे, ये लेक है इस तरफ पीछे, जहाँ पे अभी हमने ड्रोन शॉट दिखेंगे जो ब्रिज के ऊपर से उड़े थे वो, और उसके बाजू में मस्त ये टेबल है, कोई है नहीं, सामने ही रेस्टोरेंट भी है, तो वहाँ पे आप ले सकते हो। और अंजलि को जरा कुछ बोलने का मौका देते हैं। अंजलि बताओ क्या हो? आपको ये नहीं लग रहा दोस्तों के कारण मुझे इग्नोर कर रहा है? मेरे को सुबह से उसने कुछ बोलने नहीं दिया व्लॉग के अंदर। मैं नहीं बोल रहा। ठीक है ठीक है, बोल बोल। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैं बहुत टायर्ड था ऑफिस घर से, तो मेरे को ऐसी जगह पे आना बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतनी एक्टिविटीज़ नहीं है यहाँ पर, जैसे हम लोग मिडास वगैरह गए थे ना, वहाँ जैसे वो कूदने फादने के लिए था ना, वैसा नहीं है। बट हाँ, शांति है, एक दो गार्डन्स है, आप रिलैक्स करने के लिए आ रहे हो, तो मुझे वैसे भी मीका सिंह बनना नहीं होता एक दिन में, चलता है। यू कैन कम हियर एंड एंजॉय लाइक मी। पीस आउट। अभी फिर इसने मुझे इग्नोर किया, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, तो अभी बज रहे सुबह के 7, दिस इज़ डे 2, और अभी हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो शायद 9 बजे तक है। और तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी जा रहे हैं, हमारे जो विला है उसके सामने एक और गार्डन है जो हमें कल उसने बोला था, तो गार्डन चेकआउट करने जा रहे हैं। एंड देन लेक 2 है जो कल हमारा रह गया था, वो लेक 2 देखने जा रहे हैं। सनराइज़ हो चुका है, हम लोग बाहर मस्त बैठे थे सुबह सुबह, व्लॉग नहीं किया था, पर बहुत मज़ा आ गया, बहुत ही अमेजिंग है। सो एट द एंड में आपको ऐसी कुछ जगह देखने को मिलेगी, आई डोंट नो वेदर इट्स गार्डन और नॉट, पर यहाँ पे नीचे आप बैठ सकते हो। ये सारे पौधे हैं यहाँ पे, और ये भी सीटिंग अरेंजमेंट है, मतलब अगर आप यहाँ पे अपना कुछ खाना पीना चाहते हो तो डेफिनेटली आ सकते हो। थोड़ा आगे चल के देखते हैं वहाँ कुछ गार्डन है या नहीं, अदरवाइज ये तो एरिया आई थिंक डेड हो गया, क्योंकि पीछे पूरा डेड हो गया, मतलब ख़त्म हो गया यहाँ पे, क्योंकि पीछे पूरा खेत है और कुछ है नहीं। फिर भी वहाँ पे एक है जगह, तो देख के आते हैं। ये जो साइकिल यहाँ पे रखी है ना नीचे, जब आप यहाँ से एग्जिट करते हो क्लब रिसेप्शन के बाजू में, तो ये यहाँ पे 3-4 साइकिल रखी हुई है। ये साइकिल सिर्फ फ्री में है, ये आपको सुबह मिल जाएगी अगर आपको लेनी है तो, पर आपको थोड़ा पहले से बोलना पड़ेगा।
तो आगे हम लोग लेक टू पे, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हो और बतख है वो देख सकते हो, और पीछे झूले हैं वहाँ पे भी लेडीज़ कुछ है, तीन चार वो बैठी है, पता नहीं क्या ही बातें करे जा रही है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, मज़े लेते हैं, बतखे की आवाज़ सुनते हैं और फिर वहाँ झूले पर जाते हैं। तो फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉपर्टी जो हमारा विला है वो हमें कितने में पड़ा है। टोटल हमें कुछ 8,400 पड़ा है फॉर वन नाइट, और यहाँ पे 2 बजे चेक इन है और 12 बजे चेक आउट है, और अहमदाबाद से कुछ 30 किलोमीटर दूर है। और हमारा जो पैकेज है उसमें ब्रेकफास्ट ही सिर्फ इंक्लूडेड है, लंच और डिनर का मैंने पूछा था, उनके पैकेजेस भी वहाँ पे मेंशन है उनकी वेबसाइट पे, पर उन लोगों ने बोला कि आई गेस अभी शुरू नहीं है क्योंकि बूफे इन लोगों ने रखा नहीं, मुझे कुछ लगा नहीं कि बूफे टाइप कुछ होगा। कल जब हम शाम को चाय पीने नाश्ता करने गए थे तब कहाँ वहाँ पे कुछ था नहीं। सो एक बार मेक श्योर कि आप आ रहे हो तो उनको पूछो लंच या डिनर इंक्लूडेड है या नहीं। उन्होंने पता नहीं मुझे ऐसा बोला कि वो सर जी आपको ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, और कुछ मुझे 12,000 बोल रहे थे एवरीथिंग इंक्लूडेड, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। सो आई गेस वो आपका कॉल है, पूछ के आप आ सकते हो। मुझे लगा कि ठीक है शायद नहीं होगा इतना अच्छा, पर कल हमने लंच आने के बाद लंच किया था, बहुत अच्छा था लंच भी, डिनर में हमने भी पिज्ज़ा खाया था और नूडल्स खाए थे, नूडल्स भी अच्छे थे, पिज्ज़ा भी अच्छा, तो फूड के मामले में बहुत अच्छा लगा, जितना भी हमने टेस्ट किया अच्छा है। और अभी थोड़ी देर में हम लोग चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है, आपको दिखाएंगे कौन कौन सी चीज़ें ब्रेकफास्ट में और टेस्ट कैसा है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, करण ने एक मस्त जगह फाइंड आउट की है, यहाँ पर बहुत सारे झूले हैं, एक ही पेड़ पे भगवान बेचारा पता नहीं पेड़ कैसे सह रहा है। तो मैं दिखाती हूँ करण कैसे, मतलब एकदम वैकी मोड में बैठा है, एकदम वैकी मोड में, देखो देखो, और नहीं एडजस्ट इससे कुछ बिल्कुल हो नहीं रहा है, ये देखो करण। और मैं इतना मस्त लेटा हुआ यहाँ पे, मैंने बोला फोटोज खींच दे, उसने फोटोज खींचे जिसमें पैर आ रहे तो शक्ल नहीं आ रही, शक्ल आ रही तो पैर नहीं आ रहे, नहीं कौन ऐसा फोटो मेरे कुछ है? फोटोज में मैंने पूरा भी लिया है तेरे को, बट तेरे को तू बोल रहे हो ना, तू मेरे को आजकल अप्रिशिएट नहीं करता है। मस्त आवाज आ रही है देख कहाँ से, अच्छा ये विंड चाइम लगा रखा है। और बाय द वे ब्रेकफास्ट करके हम आ गए, बहुत मस्त था ब्रेकफास्ट, इडली गुड, डोसा गुड, और क्या था, पूरी चना गुड, बहुत मस्त चीज़ें थी, टेस्ट बहुत अच्छा है रेस्टोरेंट का। तो आप अगर आ रहे हो यहाँ पे तो फूड में आपको बहुत मज़ा आएगा डेफिनेटली। हाँ फूड अच्छा था, आई ऑल्सो से दैट। और अभी हम लोग बस थोड़ा झूला झूलेंगे फिर हम रूम पे जा रहे हैं, और बस इतना ही कुछ बोलना है तेरे को। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन, नए और सब्सक्राइब करें, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाए उसकी सबसे पहले आपको अपडेट मिले। And we'll see you guys in our next video. Bye bye. ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है guys. लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अब उतरेगा कैसे वो मुझे नहीं पता, ठीक है।